बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ साम अली चौहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चौहान फार्मिंग। आज आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी जो है वो इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। एवियन के कैप्सूल विटामिन ई बहुत ज़रूरी है उन बर्ड्स के लिए जो एग लेइंग नहीं कर रहे, ठीक है। तो दोस्त अपने घर में बर्ड्स को लेयर फीड नहीं दे रहे और उनको जो है ना जिस तरह से ये इस तरह से अगर आप पालक वगैरह दे रहे हैं या इनको गंदम मकई बाजरा वगैरह डाल के दे रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि ये विटामिन ई के जो है ना वो कैप्सूल आप 7वीं 8वीं मंथ की जो एज की मुर्गियां हैं उनको आप दें जो अंडे नहीं दे रही, ठीक है जी। तो जो उससे कम है 6 महीने से नीचे वाली हैं उनको आप बिल्कुल ना दें, ठीक है। जिस तरह से एक मेरा ये पेयर है ये 6 महीने से कम है, ठीक है, 5.5 महीने का है, तो इनको अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनकी एज पूरी नहीं हुई, ये अपने हिसाब से जो है ना वो अंडा शुरू करेगी। अब इनकी एज जो है ना वो 7 मंथ से ऊपर होने लगी है, ठीक है, अभी तक अंडा नहीं शुरू किया क्योंकि इनकी जो है ग्रोथ है वो ऑर्गेनिक फीड के ऊपर हुई है, मसलन पालक वगैरह दे दिए, दूसरे पत्ते दे दिए, इसके अलावा जो है ना वो गंदम मकई बाजरा वगैरह देते रहे जिसकी वजह से एगलिंग जो है ना वो थोड़ी कम कर देती है। तो इसलिए इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि आप इसकी विटामिन ई की जो है ना वो कमी पूरी करें। अभी इनको जो है ये मैं एक एक कैप्सूल जो है ना वो दूंगा, ठीक है, फीमेल को, मेल को नहीं, फ़ीमेल को आप देंगे, ठीक है। मेल ऑलरेडी अजाने दे रहे हैं और क्रॉस करने की कोशिश करते हैं लेकिन फ़ीमेल भाग जाती हैं, तो उसके लिए जो है ना एक तो फ़ीमेल को हम लोग जो है ना वो ये एक एक कैप्सूल देंगे, ठीक है, एक दिन डेली एक दिन दे दें, 3 दिन का कोर्स करवा दें, उसके बाद महीने बाद दोबारा फिर 3 दिन का कोर्स करवा दें, ठीक है, तो इंशाल्लाह ये जो है ना वो बेहतर हो जाएंगी।